टाटा 4225 BS6 की सारी जानकारी आपको पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो जल्दी से करते हैं शुरुआत। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जसपाल सिंह और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल गिल ट्रक बॉडी समानम पर। आज हम आपको 4225 टाटा BS6 की उम्मीद इंद्र शाह गाड़ी आ रही है उसका पूरा डिटेल व्यू और सारी बारीक चीज़ें बताने वाले हैं, और किस पर्पज़ के लिए गाड़ी बनी है, कौन से पर्पज़ के लिए आपको चलानी चाहिए और क्या इसका पे लोड है, क्या इसका प्राइस रहता है, डिटेल में बात करें। सबसे पहले यहाँ पर टाटा ने जो नया डैशबोर्ड निकाला है, यहाँ पर काउल फेस यहाँ पर निकाला है, 4225 की यहाँ पर बैजिंग रहती है। 42 का मतलब है 42 टन की पासिंग GBW, जो पेलोड मिलता है अगर आप मांगे चलिए 13 टन की बॉडी हो जाती है तो 29 टन का आपको पेलोड मिल जाता है, कैपेसिटी मिल जाती है। 25 का मतलब 250 हॉर्स पावर क्यूमिंस का गाड़ी में यहाँ पर इंजन है 6.7 लीटर का, और अगर हम इस इंजन की यहाँ पर टॉर्क की बात करें तो 950 न्यूटन मीटर की आपको यहाँ पर टॉर्क मिल जाती है। बहुत ही हैवी इंजन है, 6 सिलेंडर गाड़ी में यहाँ पर इंजन है। और अभी मैं आपको यहाँ पर जो डैशबोर्ड है, ग्रिल है, वो आपको यहाँ पर एक बार उठा कर दिखाता हूँ। आगे जो असेंबली है वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, इंटीकूलर, रेडिएटर, वाटर बॉडी, हाउस पाइपिंग क्लीन एज की हुई है, आगे वाइपर टैंक यहाँ पर दिया हुआ है, हॉर्न भी यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो हेला का हॉर्न है, यहाँ पर देखते हो क्लच ऑयल यहाँ पर दिया हुआ है, हर एक काम पूरा आपको क्लीन सफाई के साथ दिया हुआ है। पहले क्या होता था, जो गाड़ी में जो बम्पर आता था वो 3 पीस आता था, अभी सिंगल पीस में कर दिया, ये भी बढ़िया है। इसमें यहाँ पर हेडलाइट है दी होते कंपनी की तरफ से, और ये मान के चलिए इसकी जो हेडलाइट की जो पोजीशन है वो ज़्यादा बेटर है पहले वाले से, नीचे वाला बम्पर बहुत ही ज़्यादा हैवी है। और अभी हम बात कर लेते हैं गाड़ी के, यहाँ पर गाड़ी ये 5 एक्सल में है, अगर आप 4 एक्सल गाड़ी लेना चाहते तो वो लेलैंड की आती है 4120, जिसमें आपको एक मांगे चलिए 1.5 टन की पासिंग इससे कम मिलती है, 40500 की पासिंग मिल जाती है। ये गाड़ी है 5 एक्सल की, 7 टन पहला एक्सल लेता है और 7 टन और दूसरा एक्सल, और उसके बाद तीसरा एक्सल भी 7 टन, मांग के चलिए 21 टन ये हो गया। और जो टेंडम वेट मेन एक्सल और यहाँ पर डमी एक्सल बनाता है वो 21 टन का बनाता है, 42 टन टोटल GBW ये गाड़ी देती है। और इस गाड़ी की अगर एवरेज की बात करें, देखो आप अंडरलोड में अगर गाड़ी मेरी चल रही हैं जो, वो 3.5 से 4 के अंदर आराम से दे रही है, कंपनी दावा करती है 4+ का, पर 3.5 से 4 की भी एवरेज दे रही है, तो बहुत बढ़िया एवरेज है 250 हॉर्स पावर में। और रही बात इस गाड़ी में अगर हम प्राइस टैग की बात करें, आज की डेट का अगर प्राइस जो अभी हम वीडियो बना रहे हैं ये यहाँ पर जून महीने का जो प्राइस टैग आया, 37.5 लाख रुपये की गाड़ी विद TCS विद यहाँ पर TER इंश्योरेंस आपका रहेगा, बाकी यहाँ पर पूरी गाड़ी यहाँ पर आ रही है अपोलो और JK टायर्स जो आपको यहाँ पर कंपनी देती है। और यहीं पर 2 बैटरीज आपको यहाँ पर मिलेगी प्लेस 12-12 वोल्ट की, जो 24 वोल्ट करंट देगी, 120 एम्पीयर का यहाँ पर आपको अल्टरनेटर करंट आपको यहाँ पर प्रोवाइड करता है। और अभी हम बात कर लेते हैं गाड़ी में यहाँ पर SCR सिस्टम, यहाँ पर देखो SCR सिस्टम दिया हुआ है, ATS सिस्टम है, और DPF, DOC, अमॉक्स और कैटलिस्ट रिएक्शन यहाँ पर होती है, स्टील का ये सारा चैम्बर बना हुआ है। और उसके बाद हम बात कर रहे थे जो गाड़ी में जो एक्सल्स हम बात कर रहे हैं, पहला एक्सल और दूसरा एक्सल यहाँ पर स्टेयरिंग एक्सल है, यहाँ पर दोनों ही एक्सल स्टेयर होते हैं। यहाँ पर टाटा का हैवी ड्यूटी 7 टन रिवर्स इलियर टाइप यहाँ पर आपको फ्रंट एक्सल, सेकंड एक्सल मिलेगा, और थर्ड एक्सल भी सेम मिलेगा, पर ये आपको लिफ्टर में मिलेगा, यहाँ पर बैलून्स यहाँ पर लगे हुए हैं, लिफ्ट होता है ये, और आप इसको गाड़ी को 12 चक्का भी बना सकते हो, 14 चक्का भी बना सकते हो। यहाँ पर आ गया जो मेन एक्सल, ये है ड्राइव एक्सल, यूनिवर्सल शाफ्ट इसके साथ अटैच हुई हुई है, RA110HD का यहाँ पर एक्सल लगा हुआ है। और यहीं पर बात करते हैं, ये आ गया डमी एक्सल, यहाँ पर ये सिंपल एक्सल है, जो हेल्पर एक्सल भी हम इसको बोल देते हैं। और जो यो ये सस्पेंशन दी हुई है वो सस्पेंशन है बेल क्रैक, यहाँ पर सस्पेंशन दी हुई है, बहुत ही हैवी सस्पेंशन है। मांगे चलिए गाड़ी जब आप चलाएंगे, चाहे पेड़ रोड हो, चाहे हाईवे रोड हो, चाहे यहाँ पर घाट सेक्शन हो, या यहाँ पर मांगे लिए अप एंड डाउन हो, बहुत ही ज़्यादा कामयाब सस्पेंशन है। पट्टा कमानी आप यहाँ पर साथ में और एक्स्ट्रा में बढ़ा सकते हैं। अगर हम यहाँ पर आगे की सस्पेंशन की बात करें तो पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग्स आपको यहाँ पर आगे मिलेंगे फ्रंट और सेकंड एक्सल में। यहीं पर हम बात कर लेते हैं जो गाड़ी में यहाँ पर टायर्स आ रहे हैं, टायर्स यहाँ पर 295/90R20 के यहाँ पर ट्यूब टायर्स यहाँ पर आपको यहाँ पर साथ में मिल जाएंगे, और जो स्पेयर टायर है वो यहाँ पर कनेक्टर साइड पर लेफ्ट साइड पर यहाँ पर माउंटेड रहेगा, उसको आसानी से यहाँ पर खोल पाएंगे। रही बात पीछे की, LED बैक लैंप, बैक लाइट्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, रिवर्स पार्किंग बजर के तौर पर यहाँ पर सेंसर्स मिल जाएंगे, रिवर्स पार्किंग कैमरा हम यहाँ पर इंस्टॉल कर देते हैं, चेसिस को भी यहाँ पर पीछे से हमको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और जो अभी चेसिस आ रही है वो 8 mm की थिकनेस के आ रही है, साथ आ रही है, और
65 mm की यहाँ पर फ्लैंग लेंथ यहाँ पर चेसिस की आपको यहाँ पर आ जाएगी, और यहाँ पर जो मान के चलिए हाइट दी है वो 285 mm की यहाँ पर आपको हाइट मिल जाएगी। बहुत ही लाजवाब चेसिस है। बस इसमें यहाँ पर चेसिस में थोड़ा सा हमको ये ध्यान रखना पड़ता है, अगर आप गाड़ी यहाँ पर ओवरलोड चला रहे हो तो ताना राड का काम जरूर करवाना। अंडरलोड में कोई दिक्कत नहीं है ताना राड की। अगर आप गाड़ी, ये दो तरह की लोडिंग स्पैन में आप गाड़ी मिल रही है, 28 फीट और 30 फीट। 28 फीट उनके लिए जो ओवरलोड चल रहे हैं बालू गिट्टी मोरण के लिए, 30 फीट उनके लिए जो कच्चे माल पे लिए पूरा ही यहाँ पर अंडररेटेड लोड ही चलाते हैं, मांग के लिए 29 टन और 30 टन ही यहाँ पर गाड़ी में डालते हैं। उसमें क्या होता है टायर वगैरह गाड़ी कम खाती है। 28 अगर आप ओवरलोड में 30 फीट लेंगे तो टायर्स बहुत ज़्यादा, पीछे वाले गाड़ी टायर्स बहुत ज़्यादा खाती है। प्रेशर टैंकी हम बाहर दी हुई है, वो हम अंदर यहाँ पर कर देंगे। अभी मैं आपको बता रहा हूँ गाड़ी आपको अंडरलोड पर्पज़ के लिए क्यों लेनी चाहिए। अगर आप अंडरलोड के लिए सोच रहे हो कि देखो 14 टेरा हमने अंडरलोड के लिए चलानी है, अगर अंडरलोड है आपके यहाँ तो आप 14 टेरा में भी ले सकते हो, पर ज़्यादा बेटर है 16 टेरा, क्योंकि 16 टेरा में यहाँ पर पासिंग उससे ज़्यादा मिल जाती है, 5 टन की ज़्यादा पासिंग यहाँ पर आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और रही बात यहाँ पर अगर आप ओवरलोड चला रहे हो, ओवरलोड में आपको ये मैं क्यों प्रेफर कर रहा हूँ गाड़ी, वो इसलिए क्योंकि 14 टेरा और 16 टेरा में सेम इंजन है, 250 हॉर्स पावर है, सेम सब यहाँ पर चेसिस की लेंथ भी सेम है और टायर्स वही हैं, वही सस्पेंशन है, वही चेसिस मोटाई है। बस जो फ़र्क है वो है गियर बॉक्स का। इस गाड़ी में आपको यहाँ पर 950G का गियर बॉक्स है, उसमें 1150G का गियर बॉक्स है, 200G का यहाँ पर गियर बॉक्स में फर्क है। उसमें हाई एंड लो गियर्स दिए हुए हैं, इसमें यहाँ पर हाई एंड लो गियर्स नहीं है, इसमें सिंपल गियर बॉक्स आता है। ये गियर बॉक्स ज़्यादा कामयाब है, मैं आपको सच बात बताता हूँ। मान के लिए ओवरलोड में आप गाड़ी ये बिंदास ले सकते हो, 16 चक्का आपको लेने की जरूरत नहीं है। अभी हम गाड़ी में यहाँ पर दे दो TKO अगर आपने डालना है तो गाड़ी यहाँ पर ड्राइवर साइड पर यहाँ पर TKO यहाँ पर ऑप्शन दी हुई है। और यहीं पर हम बात कर लेते हैं गाड़ी में यहाँ पर ऊपर ABC एसेसरीज की, एक्सीलेशन ब्रेक और क्लच यहाँ पर, जो एक्सीलेशन है वो टोटली इलेक्ट्रॉनिक कर दिया, वायर वगैरह निकाल दिया। ब्रेक्स में बैबको की यहाँ पर किट आ रही है ABS प्लस यहाँ पर हैवी ब्रेक्स यहाँ पर आपको दी जानी है। मांगे लिए BS4 से यहाँ पर 40% ज़्यादा ब्रेक एफिशिएंसी गाड़ी में यहाँ पर दी हुई है। क्लच की बात करें तो 380 mm डाई का ऑर्गेनिक टाइप यहाँ पर क्लच दिया हुआ है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की आपको हम बात करवाते हैं, यहाँ पर ऊपर चढ़ता हूँ, जैसे ही यहाँ पर देख सकते हो मैं ऊपर चढ़ूंगा तो जो सीट्स मिलती हैं, सीट्स को आप यहाँ पर आगे पीछे अपने हिसाब से और बैक को भी आगे पीछे आप आसानी से यहाँ पर कर पाएंगे। यहीं पर बात कर लेते हैं गाड़ी में यहाँ पर कोई AC नहीं आता, ब्लोअर ही गाड़ी में यहाँ पर आता है। जो गाड़ी में यहाँ पर आगे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो डिजिटल रूप में हमको देखने को यहाँ पर मिल जाता है, 5 इंच x 5 इंच की डिजिटल डिस्प्ले है। RPM मीटर, टेम्परेचर मीटर, किलोमीटर पर आप सब तरह की आपको जानकारी यहाँ पर मिले। जो भी यहाँ पर मांगे ये सेंसर लगे हुए हैं गाड़ी में BS6 में, वो सारे यहाँ पर अगर कोई फॉल्ट आता है तो यहाँ पर शो करेगा। यहाँ पर जो लाइट मीडियम हैवी के यहाँ पर स्विचेज हैं, आप अलग अलग टॉर्क इस स्विचेज के साथ प्राप्त कर सकते हो। अगर आप हैवी लोड लेकर जा रहे हो गार्ड सेक्शन पर तो आप हैवी बटन दबा सकते हो, अगर आप अंडररेटेड लोड है तो मीडियम चला सकते हो, खाली जा रहे हो तो लाइट चला सकते हो। ये जो स्विचेज हैं, काफ़ी लोग पूछते हैं ये सर स्विचेज क्या होते हैं ऑन और ऑफ के, ये रीजनरेशन स्विचेज हैं। यहाँ पर मांगे चलिए जो गाड़ी में जो धुआं होता है वो जब ATS सिस्टम में जाता है तो वहाँ पर जो चैम्बर्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, उसको साफ़ करने के लिए ये सिस्टम स्विचेस दिए हुए हैं, पर ये टाइम टू टाइम हमको चलाने चाहिए। यहाँ पर डिस्प्ले आता है रीजनरेशन आप ऑन कीजिए या रीजनरेशन ऑफ कीजिए। टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, 800-850 डिग्री से भी ऊपर टेम्परेचर चला जाता है, तभी वो स्टील का चैम्बर बनाया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हो हिल स्टार्ट एड भी यहाँ पर दिया हो। हिल स्टार्ट एड मैं आपको बताता हूँ क्या है। मान के चलिए आपकी गाड़ी यहाँ पर गार्ड सेक्शन पर खड़ी है, आगे गाड़ी आ गई और ब्रेक लगानी आपको पड़ गई, तो क्या होता है जब गाड़ी आप आगे एक बार लेंगे तो थोड़ी सी गाड़ी आपकी पीछे आती है, तो हिल स्टार्ट वो चीज़ को रोक देती है, आपकी गाड़ी पीछे नहीं जाएगी। अगर पीछे कोई गाड़ी खड़ी है तो उसके साथ टच नहीं होगी, आप हिल स्टार्ट का स्विच दबाएं और गाड़ी आपकी सीधी ज़्यादा टॉर्क लेकर आगे ही बढ़ेगी। उसके बाद आया था इस गाड़ी में यहाँ पर गियर शिफ्ट एडवाइज़र है। मान लीजिए गाड़ी इतनी समझदार है, आपको आपके RPM के हिसाब से आपको गाड़ी बताएगी कौन सा गियर अब RPM पर डालना चाहिए। उसमें क्या होगा कि आपकी माइलेज भी बढ़ेगी और गाड़ी में जो गियर बॉक्स की यहाँ पर लाइफ है, लाइफ टाइम स्पैन है, वो भी यहाँ पर ज़्यादा बढ़ेगा। 6 गियर आगे की तरफ यहाँ पर दिए हुए हैं और 1 रिवर्स गियर यहाँ पर दिया हुआ है। जो आप यहाँ पर देख सकते हो जो सारा जो मांगे चलिए इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स फ्यूज बॉक्स हैं वो यहाँ पर सेंटर में दिया हुआ है। और यहाँ पर देखते हो व्हीकल का यहाँ पर VEC व्हीकल इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट यहाँ पर सामने दिया। यहाँ पर आ गया ब्लोअर। गाड़ी में अगर AC लगवाना चाहते हो तो बाद में आप
लगवा सकते हो। और स्टेयरिंग यहाँ पर कोई एडजस्टेबल नहीं मिलता। अगर आपको इस गाड़ी की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करने बिना कहीं मत जाना। बहुत ही लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो हम आपके लिए बनाते हैं और हमारी कोशिश रहती है कि आपको नया से नया हम नॉलेज आपको देते रहें, अप टू अपडेट करते रहें ट्रांसपोर्ट के जो भी यहाँ पर गाड़ियाँ आ रही हैं ट्रांसपोर्ट के मांग के लिए सेक्टर में। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए गाड़ी में यहाँ पर मांग के लिए दोनों यहाँ पर एक्सल हैं आगे वाले, वो पूरी तरह से यहाँ पर देखो स्टेयरेबल एक्सल हैं। और मांग चलिए गाड़ी की जो व्हील बेस है वो 6600 mm का यहाँ पर आपको व्हील बेस इस गाड़ी में यहाँ पर मिल जाता है। टॉप स्पीड भी यहाँ पर गाड़ी की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। वैसे BS6 में 60 km/h की स्पीड से ही गाड़ी दौड़ानी चाहिए जो नए रूल्स हैं।